हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर अब भी प्राकृतिक आपदा के कहर जारी है। धूप निकलने के बाद भी जमीन धंसी और 3 पक्के मकान ध्वस्त हो गए, जिसमें सवारघाट उपमंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर कैंची मोड़ के पास 12 कमरों का 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया, जिसमें 10 कमरे और 2 दुकानें थी। इसके अलावा काला जोहड़ में 1 4 कमरों का मकान ध्वस्त हो गया। ग्रामीण किसानों का ये रिहायशी मकान था जो कि पूरी तरह से ढह गया, जबकि री पंचायत में भी 5 कमरों का मकान ध्वस्त हो गया है। ये मकान जमीन धंसने के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का मुआयना शुरू कर दिया है। हालांकि पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से तुरंत फौरी राहत के तौर पर आर्थिक सहायता के अलावा तरपाल वगैरह आदि राहत सामग्री वितरित की गई है। मकानों के नुकसान के बाद पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सरकार इस प्राकृतिक आपदा का उचित मुआवजा प्रदान करवाए। बड़ा नुकसान हुआ है भूस्खलन की वजह से, बारिश के कारण ऊपर से सारी जमीन फट गई और 5 कमरों का मकान था, हॉल था, और जो कि सारा तहस नहस हो गया, गिर गया, खराब हो गया। कम से कम 10 लाख से ज्यादा नुकसान हो चुका है। जितना हो सके ज्यादा करे, सहयोग करे जो भी है, और मौके पे भी आके देख ले जाए। 4 साल से हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। पहला मकान था, सड़क में आ गया, अभी सड़क से आ गया 4 लेन से, फिर उसके बाद बनाया जरा वो तहस नहस हो गया, फिर उसके बाद साड़ी कोई मदद करी जाए।